पाकिस्तान के फ्रंट पेज पर मिली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह। मोदी के राजकीय दौरे से पाकिस्तान में हलचल का दौर शुरू हो चुका है। चीन के घटते प्रभाव और भारत की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान ने भारत को लेकर अपनी नकली रवैये को और बनावटी बनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे को भारत के साथ साथ पाकिस्तान के मीडिया ने भी प्रमुखता से जगह दी है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन ने रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इंटरव्यू के हवाले से लिखा, अमेरिका अगर पाकिस्तान को बिना नुकसान पहुंचाए भारत से दोस्ती बढ़ाता है तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है तो ये ठीक नहीं है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संभावित रक्षा डील को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा कि अमेरिका और भारत की रक्षा साझेदारी से साउथ एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी और हथियार जुटाने की होड़ लगेगी। कराची विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व डीन डॉक्टर मुनीस अहमद ने पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ये दूसरी बार होगा जब मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ये आश्चर्यजनक है कि अमेरिका ने जिस व्यक्ति को 2005 में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में भूमिका को लेकर वीजा देने से इनकार कर दिया था, वो व्यक्ति दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पाकिस्तान टुडे ने हेडिंग दी, अमेरिकी दौरे पर तकनीक व्यापार पर बात करेंगे मोदी। वेबसाइट ने आगे लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरे का मुख्य एजेंडा अमेरिका के साथ सैन्य और तकनीकी संबंध को मजबूत करना है, जिससे चीन का मुकाबला किया जा सके। अमेरिका भी भारत से बेहतर रिश्ते स्थापित कर तेजी से उभर रहे चीन का मुकाबला करना चाहता है। इस मकसद के तहत अमेरिका भारत के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। दोनों देशों के बीच लड़ाकू जेट इंजन बनाने की डील हो सकती है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट इंटरनेशनल द न्यूज ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर हेडिंग दी, मानव संसाधन उल्लंघन के सवाल, मीडिया पर अंकुश के बीच अमेरिकी यात्रा पर मोदी का स्वागत। वेबसाइट ने आगे लिखा, जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, अमेरिकी अधिकारी जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत के लिए अवसर बहुत बड़ा है। अमेरिका मोदी का शाही स्वागत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान सरकार का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया तो ये मान चुकी है कि भारत अब चीन के बराबर खड़ा है और अमेरिका का उसे इतना खुला समर्थन चीन और उसके लिए नई मुसीबत ले आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।